ओम शांति 31/7/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहें, राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरा, अपना पोता मेल देखना है। का, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। खा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। ग, अपनी चलन पर पूरी नजर है। वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इससे हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि